तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज फिर राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। बाड़मेर के बायतू में पीएम जनसभा करने वाले हैं। मारवाड़ की 10 सीटों को पीएम मोदी साधने वाले हैं। सभा की तैयारियों में केंद्रीय मंत्री जुटे हुए हैं कैलाश चौधरी, और आपको बता दें कि बीजेपी नेता सभा को सफल बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी दोपहर 2 बजे बाड़मेर आएंगे और बायतू में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बायतू जनसभा से पीएम मोदी बाड़मेर जैसलमेर की 9 और जोधपुर जिले की शेरगढ़ सीट को साधेंगे। बायतू बाड़मेर शिवसिवाना और पचपदरा गुड़ामालानी चौहटन जैसलमेर पोकरण और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वोटर को साधने का प्रयास करेंगे। दरअसल पीएम मोदी की सभा जिस विधानसभा क्षेत्र में है वहां पर बीजेपी साल 2018 चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस के हरीश चौधरी जीते थे और आरएलपी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार बायतू सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे को उतारते हुए बालाराम मूड पर भरोसा जताया है। वहीं आरएलपी में आपको बता दें कि उम्मीदवार राम बेनीवाल और कांग्रेस से वर्तमान विधायक हरीश चौधरी चुनावी मैदान में है। तो मारवाड़ की 10 सीटों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे। बाड़मेर के बायतू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। आपको बता दें कि ये काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो जाता है, क्योंकि मैच कुछ ही दिन बाकी है जब चुनाव है, और उससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए राजस्थान की कमान संभालते हुए नजर आ रही है। ये पहला दौरा नहीं है, इससे पहले भी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जब ये देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हुए नजर आए, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। और देखिए विपक्ष पर भी जम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसते हैं जब भी वो राजस्थान के दौरे पर रहते हैं। बाड़मेर के बायतू में आज पीएम की सभा होनी है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, और देखिए लगातार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले भी जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, कई मंत्री पहुंचे हैं जो कि तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया है। तो आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं और बाड़मेर के बायतू में सभा को संबोधित करेंगे, मारवाड़ की 10 सीटों को साधेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, देखिए बाड़मेर के बायतू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है और मारवाड़ की 10 सीटों को आज पीएम मोदी साधेंगे, अभी क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार तैयारियां चल रही है, पिछले 7 दिनों से तैयारियां चल रही है, और यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है उन सहित कई बीजेपी के नेता है वो इस कार्यक्रम स्थल के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो मारवाड़ की जो 10 सीटें हैं जिसमें हम बाड़मेर जिले और बालोतरा की 7 सीटें हैं, 2 जैसलमेर जिले की सीटें हैं, इसके साथ ही साथ एक शेरगढ़ की सीट है जहाँ से यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आज पहुंचने वाले हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और यहाँ पर एक बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से माहौल बनाने का जो काम किया जाएगा और उसको लेके बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी सभा होने की यहाँ पर एक संभावना है। जी बिल्कुल प्रेमदान, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं, और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है तो देखिए जब अपनी जनसभा को संबोधित करते हैं तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं उनको सुनने के लिए, विपक्ष पर भी जम करके बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। बिल्कुल देखिए क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का स्टैंड रहा है और बीजेपी जिस तरीके से राजस्थान सरकार के ऊपर हमलावर रही है, ऐसे में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके से जो राजस्थान में जिस तरीके से लोगों के अंदर ये जो गुस्सा है उनको इस तरीके की बातचीत करके उनको कि भी राजस्थान सरकार की किस तरीके की कमियां हैं, क्या काम नहीं हो पाया है, इसके साथ ही साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, इस तरीके को लेकर के राजस्थान सरकार को घेरेंगे ही घेरेंगे। इसके साथ ही जो जिस तरीके से राजस्थान सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उनके ऊपर भी यहाँ पर पीएम मोदी बोल सकते हैं। जी बिल्कुल प्रेमदान, बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, सुरक्षा के क्या व्यवस्था अभी देखने को मिल रहा है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले सहित जालौर जैसलमेर के आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है, बीएसएफ को यहाँ पर लगाया गया है, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है कि लगातार पुलिस के जो अधिकारी है जो एजेंसियों के अधिकारी है वो लगातार मौके पर है और उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को देखा है। हर रोज जहां पब्लिक बैठेगी वहां पर भी
पूरी बैरिकेड किया गया है ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक नहीं हो, क्योंकि कई बार रिहर्सल हो चुके हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि पीएम आ रहे हैं तो उसको लेकर के आज यहाँ पर उत्तरलाई पहुंचेंगे, तो यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी और उनका पीएम की अगुवानी करेंगे, तो उसके बाद में वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस और अन्य जो बीएसएफ और इस तरीके के जो अधिकारी हैं वो लगे हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरीके कोई चूक नहीं हो। बिल्कुल प्रेमदान, जब भी पीएम मोदी आते हैं तो देखिए बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए तो पहुंचते ही हैं, साथ ही साथ बड़े कद्दावर नेता भी उनकी अगुवाई करने के लिए पहुंचते हैं, स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। आप नजर बना करके रखिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए बाड़मेर के बायतों में पीएम की आज बड़ी जनसभा होनी है, मारवाड़ की 10 सीटों को आज पीएम मोदी साधेंगे और महज कुछ ही दिन बाकी है देखिए जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होगा। उससे पहले अब लगातार जो बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं वो राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं के देखिए दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर रहने वाले हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े कद्दावर नेता आपको नजर आएंगे राजस्थान के मैदान में।